أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ ناکار علم و عمل کو اس مبارک اور مقدس محفل میں شریک ہونے اور مسجد شرف النساء کی افتتاحی تقریب میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی. اسی کا کرم ہے, اسی کی عنایت ہے, اسی کی مہربانی ہے. انسان کا قدم خیر کی طرف, اچھائی کی طرف, بھلائی کی طرف اللہ کی توفیق سے اٹھتا ہے. اگر خداوند کریم کی توفیق شامل حال نہ ہو تو پھر انسان خیر کی طرف جا نہیں سکتا اور بھلائی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو ایسی مبارک تقریبات میں حصہ لینے اور اس کی برکتوں سے مستفیض ہونے کا موقع انسان کو حاصل ہوتا ہے. اس لیے میں اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں اور اسی سے مزید توفیق مانگتا ہوں. محترم کرم فرما عالی جناب معلی القاب ارشاد اللہ صاحب دام اقبال اور ان کے برادران گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پر مجھ طالب علم کو یاد فرمایا, یہاں حاضری کا حکم دیا اور اعزاز و اکرام فرمایا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. مجھ طالب علم کے بارے میں نثر میں بھی بہت کچھ فرمایا گیا اور محترم و مکرم حضرت مولانا الحاج حافظ و قاری ظہیر احمد صاحب باقوی ڈاکٹر راہی فدائی دامت برکاتہم کی نظم تہنیت جو انہوں نے اس خلوص کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے جو اس ناچیز کے ساتھ ان کو ہے اپنے بہترین انداز میں فرمائی ہے, نظم کہی ہے, اس میں بھی بہت کچھ میرے بارے میں فرما دیا گیا. میں ان الفاظ کو اور اشعار کو اور نثر کے ان جملوں کو سنتے ہوئے بہت ہی شرمندہ ہوں اور اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور میرے بارے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے. میں ان حضرات کی محبت کے لیے اور عنایت کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں, ورنہ میں ان الفاظ کا اہل کسی طرح نہیں ہوں. یہ ان کی محبت ہے, الفت ہے اور نگاہ کرم ہے ان کی کہ انہوں نے اس طرح میرے بارے میں ارشادات فرمائے. اسٹیج پر موقر اور ممتاز اور با فیض
उलमा तशरीफ रखते हैं, अमाईदीन शहर भी हैं, इस इलाके के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और एमएलए साहब भी हैं, और आप सब हजरात यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपके सामने कुछ अर्ज करूं। हजरत मौलाना राही फिदाई साहब का इसमें गिरामी लिया गया, बीच में थोड़ा सा खलल हुआ, हजरत मौलाना को यकीनन नागवारी हुई होगी, मैं उसके लिए उनसे बहुत ही ज्यादा माजरत ख्वाह हूं। हाजिरीन गिरामी, तफसील में जाने का मौका नहीं है। अभी जनाब इरशादुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि कल चूंकि हमारा एक तवील सफर इंशाअल्लाह शुरू होने वाला है, इसलिए हमको जल्द से जल्द यहां से फारिग होकर रवाना हो जाना है। फिर भी जो कुछ तालीबिलवाना तौर पर मैं अर्ज कर सकता हूं, आप हजरात के हुक्म की तामील में आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा। बुजुर्गाने मोहतरम, पहली बात जो मुझे कहनी है वो माल के बारे में है, दौलत के बारे में है, सर्वत के बारे में है। माल क्या है और इस्लाम में माल की क्या हैसियत है? माल कोई अच्छी चीज है, बेहतर शय है, काबिल तारीफ है, या कोई मजमूम और मकरूह और नापसंदीदा चीज है? बज़ाहिर कभी कभी ऐसा सोचा जाता है या कह दिया जाता है जिससे अंदाजा होता है कि शायद माल बहुत बुरी चीज है, बहुत मजमूम शय है। हालांकि मुतलकन माल को मजमूम नहीं कहा जा सकता। माल अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। कुरान मजीद में माल के लिए खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया गया है। हज़रत उलमा यहाँ जलवा फरमा है, उनसे आप तहकीक कर सकते हैं। कुरान मजीद की वो आयत जो पारे आम की सूरत में है, जिसे हम बार बार सुनते रहते हैं नमाजों में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। इंसान के दिल में माल की बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। यहां लफ्ज माल कहने की जगह अल्लाह ने खैर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, और मुफस्सिरीन किराम ने उसका मतलब बयान फरमाया कि खैर से मुराद यहां माल है, दौलत है। तो माल को अल्लाह ने खैर फरमाया, भलाई, अच्छाई, बेहतरी, अच्छी चीज, उसके लिए बजाय माल के खैर का इतलाक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया। जैसे कुरान मजीद में आता है, और अभी हज़रात उलमा ने नमाज के बारे में आपसे हमसे इरशाद फरमाया कि नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है, और मस्जिद बन गई तो अहले महल्ला की जिम्मेदारी है कि उसको आबाद रखें, मामूर रखें। कुरान मजीद में नमाज के लिए एक जगह, कितनी ही जगहों पर नमाज की पाबंदी का और नमाज को बाज़ाब्ता अदा करने का, पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। एक जगह कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, और मुफस्सिरीन किराम ने वजाहत फरमाई कि यहां ईमान से मुराद नमाज है। बुजुर्गाने मोहतरम, बहुत मुख्तसरन अर्ज करने की मैं कोशिश करूं, आप हजरात के इल्म में है कि इब्तदान बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला था,
नमाजें पढ़ी जाती थी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके, इसको बैतुल मकदिस भी कहा जाता है अरबी जबान में, और मेरी जबान पर चढ़ा हुआ है वही लफ्ज बैतुल मकदिस का, लेकिन उर्दू माहौल में आम तौर पर सब बैतुल मुकद्दस ही फरमाते हैं, और बैतुल मकदिस सुनकर थोड़ा सा चौंकते हैं, इसलिए मैंने भी बैतुल मुकद्दस कहा। सही है लफ्ज। बैतुल मुकद्दस क़िबला अव्वल था मुसलमानों का, के बारे में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अल-खल्क़ु इयालुल्लाह फअहब्बुहुम इलल्लाह अहसनुहुम इला इयाली। पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा, अल्लाह का खानदान, अल्लाह का घराना है, और अल्लाह के नजदीक वो शख्स सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है जो अल्लाह के खानदान के साथ अच्छा बर्ताव करता हो, अच्छा सलूक करता हो, उसने माशरत का लिहाज रखता हो, जानवरों का भी लिहाज रखता हो। हदीस में मौजूद नहीं है क्या? आपने सुना नहीं है क्या कि एक प्यासे कुत्ते को एक शख्स ने पानी पिला दिया और अल्लाह ने उसकी ये नेकी कबूल कर ली और उसको जन्नत में भेज दिया। प्यासा कुत्ता कुएं के आसपास चक्कर लगाता है, देखता है पानी पीने की कोई शक्ल नहीं, गीली मिट्टी जो कुएं के आसपास है उसको चाट रहा है। एक चलते हुए मुसाफिर ने देखा कि ये प्यासा है, और जैसे मुझे प्यास लगती है उसको भी लग रही है। पानी पिलाने की कोई शक्ल नहीं थी, रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं, किसी तरह उसने अपने पैर का मोजा उतारा और किसी तरह उसको कुएं में डालकर पानी निकाला और कुत्ते को पिला दिया। कुत्ता सैराब हो गया। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उसकी ये नेकी कबूल की और उसे जन्नत में भेज दिया। और वो वाकया भी आपने सुना होगा कि एक औरत ने एक बिल्ली को बांध कर रख दिया और उसके लिए दूध का या चारे का गिजा का नज्म नहीं किया, खोल कर भी नहीं छोड़ा कि वो खुद जाती और अपना रिस्क तलाश कर लेती, तड़प तड़प कर मर गई। इस गलती के नतीजे में वो औरत जहन्नम में भेज दी गई। और उज्जिबत इमरातुन फी हिर्रतिन, एक बिल्ली के साथ बदसलूकी के नतीजे में औरत को जहन्नम में भेज दिया गया। तो पूरी मखलूक के साथ, इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी अच्छे सलूक का हुक्म दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी हिदायतें दी। घोड़े पर सवार होकर आदमी सफर करता है, ठीक है, घोड़ा इसीलिए अल्लाह ने बनाया कि लोग उस पर बैठ करके सफर करें, लेकिन जा रहे हो आप घोड़े पर बैठ कर, आपका कोई दोस्त सामने आ गया, आप रुक गए और घोड़े की पुश्त पर बैठे बैठे आप उससे बात कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते हैं। फरमाते हैं कि सफर के लिए तो तुम्हारा हक है, लेकिन मिंबर की तरह उस पर बैठ कर बात करने की तुमको इजाजत नहीं है। अगर बात करना हो तो घोड़े से उतर जाओ, उतर कर बात करो, और फिर जब सफर करना है तो बैठो। बारीकियों में जाइए और रसूलुल्लाह के इरशादात की गहराइयों तक पहुंचिए, तो एक एक नुक्ता ऐसा है जिस पर इंसानियत समर सकती है, सोच सकती है कि कैसी कैसी हिदायतें हैं और क्या ऐसी हिदायतें कोई पैगंबर के सिवा दे सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन हमदर्दी को कहते हैं, खैर खाही को कहते हैं। हजरत सहाबा को गुजरे हुए अपने साथियों के बारे में फिक्र हो गई कि आखिरत में उनका क्या दर्जा होगा, हम तो किसी तरह पढ़ लेंगे अब नमाजें, उनको वो फजीलतें कैसे हासिल हो। क्या तड़प है देखिए, क्या बेचैनी है देखिए, दुनिया की कामयाबियों के बारे में नहीं, बल्कि आखिरत में मेरा भाई दुनिया में मेरे साथ था तो जन्नत में वो मेरे साथ क्यों ना रहे, और क्यों नीचे रहे, क्यों पीछे रहे। ये परेशानी हजरत सहाबा को, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सहाबा की परेशानियों को दूर करने के लिए आयत नाजिल फरमाई, फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नमाजों को
जो तुमने बैतुल मक़दिस की तरफ रोक करके पढ़ी थी जाया नहीं फरमाएगा, उनका अजर खत्म नहीं करेगा, न उसमें कोई कमी करेगा। इसलिए कि अपनी तरफ से तुमने नहीं किया था वो अमल, हमारे हुक्म के मुताबिक किया था और हमारे पैगंबर के इत्तबा में किया था, इसलिए उन नमाजों का भी पूरा पूरा मुकम्मल अजर तुमको दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत। तो अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई और उसमें यह खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी वो नमाजें जाया नहीं की जाएंगी, उनको बेकार नहीं करेगा खुदावंद करीम। लेकिन उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल फरमाया अल्लाह ने, वमा कान अल्लाह लियुज़िया ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया नहीं फरमाएंगे। शारहीन और मुफस्सिरीन बताते हैं यहां लफ्ज ईमान का इस्तेमाल फरमाया अल्लाह ने, लेकिन मुराद है नमाजें, मुराद है नमाज। और इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि नमाज का कितना गहरा ताल्लुक ईमान के साथ है। इतना गहरा ताल्लुक है कि नमाज को ईमान कह दिया गया। तो हमको और आपको सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजों का जो हुक्म दिया है उस हुक्म के अंदर कितनी शिद्दत है या कितनी मजबूती है और कितनी कुव्वत है कि नमाज पढ़ते हैं तो गोया ईमान तो कायम करते हैं हम, और नमाज नहीं पढ़ते हैं तो गोया ईमान हमारे हाथों से निकला जा रहा है। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम नमाज की बड़ी अहमियत है, और बुजुर्गान मोहतरम ने नमाज की पाबंदी के सिलसिले में और मस्जिद की आबादी के सिलसिले में आपको तवज्जो दिलाई तो बहुत सही तवज्जो है। तो इसी तरह वमा कान अल्लाह लियुज़िया ईमानकुम, जिस तरह अल्लाह ने फरमाया ईमान का लफ्ज और मुराद नमाज, इसी तरह खैर का लफ्ज अल्लाह ने इरशाद फरमाया और मुराद है उससे माल। तो माल कोई मजमूम शय नहीं, कोई बुरी चीज नहीं, कोई गलत चीज नहीं, वो तो अल्लाह की नेमत है जिसको खुदावंद करीम देना चाहते हैं देते हैं। कुरान मजीद में फरमाया गया अल्लाह यबसुतुर रिज़्क लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, अल्लाह जिसको चाहते हैं रिज्क में वसअत और कुशादगी और बस्तता फरमाते हैं, बहुत ज्यादा माल देते हैं, दौलत देते हैं, साहिब सरवत बनाते हैं, और जिसको चाहते हैं एक अंदाजे के मुताबिक उसको उसकी हैसियत के मुताबिक देते हैं। वो अल्लाह की हिकमत का तकाजा है, मसलहत का तकाजा है, जिसके लिए जितना चाहिए अल्लाह तबारक व ताला उसी तरह देते हैं। तो ये नेमत है अल्लाह की, और अल्लाह ने उसे खैर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया उसके लिए। और दूसरी आयत में मौजूद है और आयतें भी होंगी, वमा तुन्फिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की राह में तुम माल जो खर्च करते हो उसका बदला तुम्हें दिया जाएगा, अता फरमाया जाएगा, उसका विवस अजर व सवाब तुम्हें मिलेगा। तो वमा तुन्फिकू मिन मालिन की जगह मिन खैरिन अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है। तो बुजुर्गान मोहतरम माल अल्लाह की नियमत है और बहुत बड़ी चीज है, महमूद है ये और मजमूम नहीं है ये। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है, मसला पैदा होता है वहां जहां उसके हासिल करने का तरीका इख्तियार किया जाता है। अगर हासिल करने का तरीका, माल को कमाने का तरीका जायज है, सही है, दुरुस्त है, तो फिर वो माल अल्लाह की नेमत है। और अगर माल को हासिल करने का तरीका गलत है, चोरी से माल हासिल किया, धोखे से माल हासिल किया, रिश्वत से माल हासिल किया, धोखा देकर माल हासिल किया, एक माल दिखाया दूसरा माल बेच दिया और उसके जरिए से नफा कमाया, तो ये गलत हो जाएगा और ये माल मजलूम हो जाएगा। इसलिए कि हदीस में फरमाया गया कि कयामत कायम होने के बाद महशर के मैदान में इंसान के कदम सवाल की जगह पर चिपके रहेंगे
और वो हट नहीं सकेगा वहां से जब तक के कई सवालात के वो जवाब अल्लाह से न दे दे। उन सवालात में से एक सवाल ये भी है कि तुमने माल कैसे कमाया और कहां खर्च किया, ये दो सवालात भी होंगे। कैसे कमाया तुमने माल, तुम्हारे पास दौलत कैसे आई, जायज तिजारत के जरिए से तुमने कमाया, खेती बाड़ी करके तुमने कमाया, बागवानी से कमाया, मेहनत मजदूरी करके कमाया, किस तरह कमाया। अगर झूठ से, धोखे से, रिश्वत से, चोरी से, डाके से, डरा धमका कर धमकी से तुमने किसी का माल हासिल किया है तो फिर ये तुम्हारा माल खैर नहीं है तो शर है, उसका गलत तरीका तुमने इख्तियार किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सवाल होगा कैसे कमाया तुमने ये माल, और दूसरा सवाल होगा कि कहां खर्च किया तुमने ये माल। तुमने कमा लिया तो तुम इसके मालिक मुख्तार नहीं हो, बल्कि हमारे हुक्म के मुताबिक तुम्हें इसको खर्च करना है, जायज मसारिफ में खर्च करना है, अपनी जायज जरूरतों में खर्च करना है, बीवी बच्चों के लिए खर्च करना है, रिश्तेदारों के लिए खर्च करना है, गरीबों मिसकीनों बेवाओं यतीमों जरूरतमंदों मोहताजों को देना है, नेक मसारिफ में खर्च करना है, मस्जिद की तामीर करनी है, मसाजिद की तामीर करनी है, मदारिस की तामीर करनी है, यतीम खानों की तामीर करनी है, पुल बनाने हैं, सड़क बनानी है, कुआं खुदवाना है, बोर लगवाना है, ये जितने मसारिफ खैर हैं हस्ब जरूरत उनमें खर्च करोगे तो ये माल का सही इस्तेमाल हुआ। अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर खर्च करोगे, नाजायज मसारिफ में खर्च करोगे तो फिर पकड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो मैंने अर्ज किया कि माल मुतलकन गलत चीज है, ऐसा नहीं है। अगर सही तरीके से कमाया और सही तरीके से खर्च किया और फिर दरमियान की जो मंजिल है माल के हुसूल के बाद, माल के खर्च से पहले इंसान का जज्बा क्या, उसका एहसास क्या, अगर दिल में यह ख्याल आया कि मैंने अपनी चालाकी से, अपनी जहानत से, अपनी तजुर्बाकारी से ये माल कमाया है, ये मेरी दौलत है, तो ये मोमिनाना अंदाज फिक्र नहीं है, ये कारून का अंदाज फिक्र है, ये अल्लाह को न मानने वालों का तर्ज फिक्र है। अल्लाह को मानने वाले बंदे मोमिन का तर्ज फिक्र क्या कि मेरे अंदर कोई कमाल नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा तजुर्बा काम नहीं आता, मेरी जहानत काम नहीं आती, अगर अल्लाह देने का फैसला न करे। इसलिए जब दौलत मिलती है, माल हासिल होता है, तो बंदे मोमिन उस तरह कहता है जिस तरह हजरत सुलेमान ने फरमाया था अलैहिस्सलाम, हाजा मिन फ़ज़्ली रब्बी, ये मेरे परवरदिगार का फजल एहसान है, उसने दिया है, वरना मेरा तजुर्बा कोई काम नहीं आता। आप देखते हैं दुकान चल रही है, बहुत गर्म है कारोबार, लेकिन चलते चलते अचानक दुकान ठप हो जाती है, कारोबार नहीं चलता, ग्राहक नहीं आते, और नुकसान पर नुकसान होता चला जाता है। क्या है, मालिक ने दुकान में मेहनत छोड़ दी, तजुर्बा खत्म हो गया उसका, क्या किस्सा है, कुछ नहीं, उधर से फैसला हो गया कि अब नहीं देना है इसे, इसलिए नहीं मिलता, और जब तक उधर का फैसला होता है तो मिलता चला जाता है। मैं सोचता हूं हमारे शहर में एक मशहूर सड़क है, कारोबारी रोड उसका, स्ट्रीट उसकी बहुत मशहूर, बड़ी बड़ी दुकानें, लेकिन मैं सुनता हूं कि मौके मौके से दुकानें खुल रही हैं, आज फला दुकान खुली नई, कल फला दुकान खुली नई, कहां से खुली, मतलब यह है कि एक दुकान बंद हुई और खत्म हुआ उनका कारोबार, चलाते चलाते आज ही आ गए, उन्होंने दूसरों के हवाले कर दिया, उन्होंने नई दुकान खोली। तो दुकानों का खुलना दलील है इस बात की उसी सड़क पर कि दुकान बंद हो रही है, कैसे बंद हो गई, क्यों नफा नहीं आता,
क्यों नुकसान में जा रहा है कारोबार, मेहनत खत्म हो गई कभी नहीं, उधर से फैसला हो गया कि अब नहीं मिलना है। तो बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानान अजीज, माल के बारे में ये है पहली शर्त कि कमाने का तरीका क्या, और दूसरा जज्बा ये कि अल्लाह का इनाम है, उसका एहसान है, उसका फजल व करम है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, उसने देना चाहा दे दिया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह यबसुतुर रिज़्क लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमाता है और बेशतर रिज्क देता है, वस्त अता फरमाता है, कुशादगी अता फरमाता है, और जिसके लिए इतना माल मुनासिब नहीं समझता उसको थोड़ा देता है। तो ये अल्लाह की तरफ से मिलने का जज्बा। और फिर तीसरी मंजिल यह है कि खर्च कहां किया जाए। तो अगर ये तीनों चीजें सही रहती हैं तो फिर माल अल्लाह का इनाम है, एहसान है, नेमत है, महमूद है, ये महबूब है, ये उसको खैर फरमाया अल्लाह ने, इसको मजमूम नहीं कहा जा सकता। इसलिए ज़बान उर्दू कुरान मजीद से हदीस पाक से बड़ी गहरी दिलचस्पी रखती है और ताल्लुक रखती है मालदारों के लिए। और जबानों में है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, उर्दू में कहते हैं असहाब खैर, असहाब खैर यानी असहाब सरवत, असहाब दौलत, मालदार, उनके लिए लफ्ज जो उर्दू में बावकार इस्तेमाल किया जाता है वो असहाब खैर का है। तो बुजुर्गान मोहतरम, माल देने वाले अल्लाह है, और जिनको चाहते हैं उनको अता फरमाते हैं, और सही तरीके से अगर उन्होंने हासिल किया तो ये उनके लिए खैर की चीज है। और मिलने के बाद जज्बा सही रखा मोमिनाना, और खर्च सही मसारिफ में किया। बुजुर्गान मोहतरम, मसारिफ खैर में एक बहुत बड़ा मसरफ मस्जिद की तामीर का है, अल्लाह का घर बनाना है। अल्लाह के घर की जो अजमत है वो दुनिया में किसी जगह के लिए नहीं है। बड़े से बड़े बादशाह का, बड़े से बड़े सदर का महल सरा हो, आदमी बेखटके उसके अंदर जा सकता है और आ सकता है, लेकिन अल्लाह के घर में जाते हुए कदम रखने से पहले बंदे मोमिन को सोचना पड़ता है कि अब मैं इस घर में जाने के काबिल हूं कि नहीं हूं, मैं उस मंजिल में हूं या नहीं हूं, यहां जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, सोच कर कदम रखना। खैरुल बिकाई अल मसाजिद व शर्रुल बिकाई अल अस्वाब, बेहतरीन जगह मस्जिद है, यह अल्लाह का घर है। और हजरत मौलाना रिफाई साहब ने वो हदीस सुनाई कि जिसने भी अल्लाह का घर बनाया अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाते हैं। इससे यह खुशखबरी खुद ब खुद मिलती है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बानिया ने मस्जिद के लिए यह खुशखबरी है कि वो इंशाअल्लाह जन्नती है। इसलिए कि अगर उनका जन्नत में जाना नहीं है तो फिर उनके लिए घर क्यों बनाया जाएगा। और घर बनाने की बशारत जो सुनाई गई उससे खुद ब खुद ये निकलता है कि इंशाअल्लाह ये जन्नत में जाने वाले हैं। तो बुजुर्गान मोहतरम, मैं जनाब मोहतरम इरशादुल्ला साहब और उनके बिरादरान को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई पाकीजा दौलत को अल्लाह के घर की तामीर में सर्फ किया, और पूरी फराख दिली के साथ सर्फ किया, और एक खूबसूरत मुस्तहकम मजबूत और हसीन जमील मस्जिद अल्लाह की उन्होंने बना दी। खुदा करे अल्लाह के यहां ये शरफ कबूल पाए। दूसरी बात यह भी है कि उन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा मरहूमा मोहतरमा शरफुन्निसा साहिबा, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे और आला इल्लीन में उन्हें जगह अता फरमाए, उनके ईसा ने सवाब की नियत की और उनका नाम इसको दिया। नाम इस तरह का दिया जा सकता है क्या? उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन किराम ने इस पर भी गुफ्तगू की और अहादीस से साबित किया कि इसमें कोई हर्ज नहीं।
नाम इस तरह जिसका चाहे बनाने वाले का या जिसके साथ ताल्लुक है उनका नाम रखा जा सकता है। इससे मस्जिद की मस्जिदियत पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। तो मुझे ये अर्ज करना है कि वालिदा मरहूमा के लिए इन सआदतमंद फर्जंदान ने इरादा किया कि उनके लिए ईसा अलैहि सलाम का एक सिलसिला ता कयामत जारी रहना चाहिए। ये जज्बा बहुत ऊंचा जज्बा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलदिन सालिहिन यदऊला, कि इंसान जब गुजर जाता है तो उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाती हैं। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, कोई भी नेक काम नहीं कर सकता, इल्ला मिन सलासिन, तीन तरीके हैं कि फिर जारी रहता है वो। उसमें एक आपने इरशाद फरमाया कि नेक औलाद जो माँ बाप के लिए दुआए खैर करती रहती है, उनको सवाब पहुंचाती रहती है, उनके लिए सवाब का अजर का काम करती रहती है, ये नेक औलाद खैर जारी है। तो मोहतरमा मरहूमा शरफुन्निसा साहबा खुश नसीब है कि उनको ऐसी औलाद मिली कि उनके रुख्सत होने के बाद औलाद ने उनको फरामोश नहीं किया, बल्कि उनकी आखिरत की जिंदगी के लिए और उनकी नेकियों के लिए वो मुस्तकिल काम करते रहे। हत्ता कि एक मस्जिद उनके नाम से बनाई ताकि इसमें नमाज पढ़ने वालों का सवाब उनको पहुंचता रहे। तो मैं इसके लिए भी उनको मुबारकबाद देता हूं, जनाब इरशादुल्लाह साहब को और उनके बिरादरान गिरामी को, और इसके लिए भी कि अल्लाह ने उन्हें दौलत दी और उस दौलत का उन्होंने सही मसरफ में इस्तेमाल किया। बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानान अजीज, जैसा कि और हजरात ने भी बताया, अब हमारी जिम्मेदारी और अहले महल्ला की जिम्मेदारी यह है कि इस मस्जिद को आबाद रखा जाए। और मौलाना ने बड़ा मोमिनाना शायर अल्लामा इकबाल का पढ़ा था कि मस्जिद तो बना दी सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तो ये शायर, ये सूरत हमारे लिए नहीं होनी चाहिए और हम पर इस शायर का इतलाक नहीं आना चाहिए। आपके यहाँ मस्जिद बन गई है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आबाद रखें, और जितना आबाद करेंगे आप मस्जिद को, इंशाअल्लाह आपके मकानात आबाद होंगे, महफूज होंगे, हर किस्म की बलाएं और मुसीबतों से आप महफूज रहेंगे, आपके कारोबार आबाद रहेंगे, बागात आबाद रहेंगे, खेतियां आबाद रहेंगी, फैक्ट्रियां चलती रहेंगी। अगर अल्लाह का घर आपके महल्ले में आबाद हुआ तो आपकी जिंदगी का एक एक गोशा इंशाअल्लाह आबाद रहेगा। मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ इन मुंतज़मीन का और दाइन का कि उन्होंने मुझ तालिबे इल्म को हाजिरी का हुक्म दिया, याद फरमाया और मेरा एजाज़ इकराम फरमाया। आप हजरात का भी ममनून हूँ कि मेरी समा खराशी को आपने बर्दाश्त फरमाया। बातें बहुत हैं और जज्बा हो रहा है कि कुछ न कुछ कहूँ, लेकिन वक्त की तंग जामानी और सामने सफर का जो लंबा सफर है, उस वजह से मैं इन्हीं चंद बातों पर ख़त्म कर देना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का फिर एक बार शुक्र अदा करता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में हदीए दरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಭೆ ಬಂದಿರುವ ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಭೆ, ಇದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆರ್ ದುರ್ರನಾರಾಯಣ್, ಆನರಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದೇವರವರು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಾಪಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಅವ್ರ ಈ ಸಭೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮೌಲಾನಾ ಅಶ್ರಫ್ ಆಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಫ್ ರಫಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮಾನ್ಯ ಪುಟ್ರಂಗ ಶೆಟ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಮಸ್ಜಿದ್ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಜನಾಬ್ ಸೈಯದ್ ಇರ್ಷುದ್ ಅಲ್ಲಾ ಅವರೇ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನನಗೆ ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಷುದ್ದಲ್ಲಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಇದೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಟ್ರಂಗ ಶೆಟ್ಟರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇವರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಟೈಗರ್ ನಂಬರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನ ಮಸ್ಜಿದ್ಯನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಂತ ತಾಯಿ ತಂದೆನೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರು ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾವು ತಪ್ಪದೆ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದಿವಸ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೋ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ತಾವು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವವಾದಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ತಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾನುವಾರ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸದನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ MP ಆಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ನೀವು ನೀಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸದನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ಮತಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಸದರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ಇರ್ಷಾದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ತರಹದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಾಬ್ ಇರ್ಷಾದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ
ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅತಿಥಿಗಳು, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಎಂಎಲ್ಎರು ಸಹ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಗಳ ಗಡಿ ಯಜಮಾನರು, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಆರ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆದಂಥ ಇಸಾದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನನಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಇಸಾದುಲ್ಲಾರವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀವಿ, ತಾವು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿತ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೋತನೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಹೊಸ ಇವತ್ತು ಇಸಾದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯರು, ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಧರ್ಮದ ಸಾರ ಹೇಳುವಾಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಳಿಸೋದನ್ನ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮಾಜದವರು ಹೇಳೋಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರೇ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಈ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಶಾಸನಾಗಿ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸನ್ಮಾನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಜರಿನ ಇಕರಾಮ್, ಉತ್ನೇ ಕಿ ಫಿಜಾ ನಾ ಬನಾಯೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಏಕ್ ಆಖರಿ ಖಿತಾಬ್ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ ಪರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ದುಆ ಹೈ ಔರ್ ನಮಾಜ್ ಪಡಿ ಜಾಯೇಗಿ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಸ್ಬ್ ಮಾಮೂಲ್ ಆಪರಾ ಜಲ್ಸಗಾ ಮೇ ತಶ್ರೀಫ್ ರಖೇ. ಹಾಜರಿನ ಇಕರಾಮ್, ಬಾಹರ್ ಖಡೆ ಹುಏ ಅಹ್ಬಾಬ್ ಸೇ ಗುಜಾರಿಶ್ ಕಿ ಜಾತಿ ಹೈ ಕಿ ಜಿಸ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ವಕಾರ್ ಔರ್ ಅಜ್ಮತ್ ಸೇ ಬೈಠೆ ರಹೇ ಔರ್ ಆಪ್ ತಮಾಮ್ ಅಹ್ಬಾಬ್ ಸೇ ತಮಾಮ್ ಅಹ್ಬಾಬ್ ಸೇ ಗುಜಾರಿಶ್ ಕಿ ಜಾತಿ ಹೈ ಕಿ ಜಲ್ಸಗಾ ಮೇ ತಶ್ರೀಫ್ ರಖೇ. ಹಾಜರೀನ್, ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಹಜರತ್ ವಾಲಾ ಕಾ ಖಿತಾಬ್ ಅಲ್ಲುಮ್ ಸೇ ಸುಲ್ಜಾ ರಹೇ ಥೇ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಹಜರತ್ ವಾಲಾ ಕಿ ಬಾತೋ ಸೇ ಬೆಹರಾವರ್ ಹೋ ರಹೇ ಥೇ. ಮೈ ದುಆ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ, ದಾಮತ್ ಬರಕಾತ್ ಹೂಂ ಕೋ ಮೈ ಆವಾಜ್ ದೇತಾ ಹೂಂ, ಗುಜಾರಿಶ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಹಜರತ್ ವಾಲಾ ತಶ್ರೀಫ್ ಲಾಕರ್ ಸಾಮೈನ್ ಇಕರಾಮ್ ಕೋ ಇಸ್ತಫಾದೆ ಕಾ ಮೌಕಾ ಇನಾಯತ್ ಫರ್ಮಾಯೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام امائی دین شہر میرے مخترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اللہ تعالی کا کتنا بڑا شکر و احسان ہے اور انگنت احسانوں میں سے بڑا احسان اللہ نے یہ فرمایا آج مسجد شرف النساء میں مغرب کی نماز با جماعت حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم ایک عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا نماز میں عجیب حلاوت اور لطف اور مزہ آتا ہے جب کسی متقی عالم کے پیچھے صاحب ورا صاحب ورا صاحب تقوی کے پیچھے امامت کے پیچھے اقتداء کا موقع ملے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی جو آدمی کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھے اقتداء کا شرف حاصل کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو ایسے موقع بہت کم آتے ہیں لیکن جب ملتے ہیں تو ماشاءاللہ نماز میں پوری حلاوت اور مزہ بھی آ جاتا ہے میرے بزرگوں مسجد عالی شان ہمارے سامنے کھڑی ہے پچھلی مرتبہ تعمیر کے بعد اس مسجد کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ماشاءاللہ ارشاد اللہ صاحب کے ایمان کے جذبے کی داد بھی دل سے دینی پڑی لوگ اپنے اپنے ایمان کے مراتب کے اعتبار سے مسجد بھی اسی طریقے کے باندھتے ہیں لیکن اپنی ماں کی یاد میں ایک بہترین عالیشان مسجد ارشاد اللہ صاحب اور ان کے برادران نے بنائی اللہ تعالی ان کے والدہ کو قبر میں نور سے منور فرما دے اور ان کی مغفرت فرما دے اور برادران کو اپنی طرف سے بہترین جزا عطا فرما دے مسجد کی حیثیت کیا ہے کسے کہتے ہیں مسجد میں بہت لمبی چوڑی بات آپ حضرات سے کرنا نہیں چاہتا دو تین باتیں آپ جناب لطفی صاحب نے بھی عرض کیا تھا کہ سیرت کی کچھ بات عرض ہو جائے تو اچھا ہے
इसलिए कि इफ्तिताह मस्जिद के साथ सीरतुल नबी का इजलास भी है ये। माशाल्लाह दो दो उनवान लगे हुए तो बरकतें और बढ़ जाती हैं। लेकिन मस्जिद ही के मुतालिक दो बातें आप हजरा से अर्ज कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम के जमाने में आप हजरात शायद जानते हैं मस्जिद बनी हुई थी मस्जिद नबवी, बड़ी बड़ी ईंटें पर बनी हुई थी मस्जिद और उसकी छत पड़ी हुई थी खजूर की शक्तिरों से तैयार शुदा छत पड़ी हुई थी, जैसे कोई मद्रासी तारची डालते हैं आज के जमाने में मशहूर है। इसी तरीके से खजूर की शक्तिरों को बिछाकर छत का इंतजाम किया गया था और दरमियान में खला होता है उसको खजूर के पत्तों से उसको भर दिया गया था। लेकिन हर दिन सूखी पत्तों के लकड़ियां वगैरह नीचे गिरती थी मस्जिद में और बहुत सारा कचरा भी हो जाया करता था। एक सहाबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी का कचरा झाड़ने के लिए एक मर्द का इंतखाब था या औरत का, वो आती थी और मस्जिद नबवी का हर दिन कचरा भी झाड़ती थी पाक साफ करती थी। लेकिन इधर दो चार दिन से और चंद दिनों से वो औरत का अता पता नहीं था, कचरे की सफाई करने वाली का पता नहीं था। आ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम ऐसे मौके में कब किसी को भूल जाते? भूलने वाले नहीं आप। हजरत तुफैल बिन अमर दूसी रजी अल्लाह तआला कबीले दूस के रहने वाले, अजीब वाकया है उनके इस्लाम का। वो शायर भी थे, बड़े बड़े माहिर थे इल्म में। जब वो मक्का आए तो लोगों ने उनसे कहा कि यहां कोई जादूगर है, उनका कलाम मत सुनना। लेकिन बड़ी ख्वाहिश थी मुलाकात करने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और बड़े मुतासिर हुए और इस्लाम लाने का बड़ा जज्बा भी हुआ कुरान सुनने के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा इस्लाम तो कबूल है लेकिन अभी अभी मेरे पास मत रहना, अल्लाह जब इस्लाम को शौकत और कुव्वत अता फरमाएंगे और अल्लाह इस इस्लाम को सरबुलंदी और इज्जत अता फरमाएंगे, मुसलमान बाइज्जत जिंदगी गुजारने लगे, तो उस वक्त तुम मेरे पास आ जाना। इस वक्त तुम अपने घर चले जाओ, अगर इस्लाम को तुम सच्चा समझते हो तो घर वालों को इस्लाम की तालीम देते रहना। हजरत तुफैल फरमाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर मैं तो चला गया। उस वक्त आया जब मक्का फतह हो गया, कितने साल गुजर गए, मक्के की उस इफलास वाली जिंदगी में हाजिर हुए थे वो, और जब मक्का फतह हुआ फाटी मारते हुए समंदर था, सहावा का बड़ा मजमा था, दूर दराज से लोग आ रहे हैं इस्लाम कबूल कर ले, मुख्तलिफ कबाइल आ रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हुजूर की खिदमत में जौक दर जौक लोग आ रहे हैं। फातिह मक्का फातिहुल अरब, आपकी क्या शान होगी। इस मौके पर हजरत तुफैल रजी अल्लाह तआला को किसी ने खबर कर दी कि मक्का फतह हो गया, तो अब उनको ख्याल हुआ कि हुजूर की हिदायत थी जाना चाहिए मुझे, तो हजरत तुफैल फरमाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्के में ही थे, ये कबीले दूस से सफर करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप अंदाजा लगाएं कितने साल के अरसे के बाद ये हाजिर हो रहे हैं।
आदमी बड़ा हो जाता है, माली एतबार से, कुर्सी के एतबार से, शान के एतबार से अपने पुराने लोगों को अनजाना सा कर देता है, जान पहचान रखते हुए भी अनजान बनकर रह जाता है। इंसान कितना एहसान फरामोश होता, कितना नादान होता है इंसान, जिसको कुरान ने कहा इन गुकान वलूमन जहूलन। हजरत तुफैल फरमाते मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होते ही पहला जुमला मैंने ये कहा, मेरे दिल में बात थी कि हुजूर मुझे जानते नहीं जानते, अरसा हो गया, कई साल हो गए और इस वक्त हुजूर को जो शान, जो कुव्वत, जो इज्जत, जो सरबुलंदी जो हासिल थी, उस वक्त मक्के में इफलास की जिंदगी में चंद गरीब मुसलमानों के साथ आपकी जिंदगी गुजर रही थी, अब तो माशाल्लाह फातेह मक्का नहीं फातेहुल अरब थे आप। मक्के का फतह होना दलील थी सारे अरब का फतह हो जाना। हजरत तुफैल रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में बात थी कि हुजूर जानते कि नहीं जानते मुझे, आप पहचानते कि नहीं पहचानते, ये कि दिल में एक अजीब किस्म की बातें थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाए कि या रसूल अल्लाह अतारिफुनी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे जानते नहीं जानते, मुझे पहचानते हैं आप? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहुल अरब होकर क्या जुमला अर्ज फरमाते, दलील है हमारे लिए। छोटों की कितनी इज्जत करते आप, छोटों की कितनी कदर करते आप, और इतनी बड़ी शान कुव्वत इज्जत शौकत हासिल होगी, बड़े बड़े दिलेरान अरब हुजूर के सामने जी हुजूर के सामने आजिद आ गए, हथियार डाल दिए, सुरंगों हो गए, कितनी बड़ी शान थी अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या जवाब देते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर ने इरशाद फरमाया, बड़ी सादगी के साथ फरमाया, قال نعم, मैं जानता हूं तुमको, तुम वही तो नहीं जो कबीले दूस से ताल्लुक रखते हो और उस वक्त हाजिर हुए थे जब हम इफलास के साथ, बड़ी गुर्बत के साथ और बड़ी ही नरमी के साथ हमारी जिंदगी गुजर रही थी, आज अल्लाह ने बड़ी शान शौन शौकत कुव्वत और इज्जत हमको अता फरमा दी, तुमको इसके बावजूद मैं तुमको जानता हूं अच्छी तरह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम छोटों की कितनी इज्जत फरमाते थे, कितनी कदर फरमाते थे आप, तो कैसे भूल जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी, आपकी आदत मुबारका, आपकी आदत मुबारका छोटों को कितना याद करते थे, कैसे भूल जाते। मस्जिद में कचरा झाड़ने वाली औरत दो चार दिन से नहीं आ सके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज फरमाया कि वो कचरा झाड़ने वाली औरत को वो तो नजर नहीं आती, वो तो नजर भी नहीं आ रही, कहां आए हो? तो बतलाने वाले ने बतलाया, अल्लाह के रसूल उसका तो दो चार दिन कबल